तो ये आपका 2022 का एक नोटिस है जो कि NSUT ने जैक की काउंसलिंग के बाद, जैक डेली की काउंसलिंग के बाद सेल्फ से एक अलग काउंसलिंग कराई हुई थी, जिसमें आप नंबर ऑफ सीट देख के काफ़ी हैरान हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर वैकेंट थी सिविल इंजीनियरिंग में NSUT कैंपस में। यहाँ पर 29 सीट प्लस 11 जो गर्ल्स कैटेगरी की सीट थी, 11 गर्ल्स के लिए और यहाँ पर 29 प्लस 11 टोटल जो नंबर ऑफ सीट थी 40 सीट्स के अराउंड यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंट थी, जो कि स्पॉट राउंड में लास्ट राउंड में फिजिकल काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर फिल की गई है। यहीं पर अगर हम बात करें उसकी जियो इन्फॉर्मेटिक ब्रांच भी यहाँ पर है, तो जियो इन्फॉर्मेटिक ब्रांच में ऑलमोस्ट आपकी 54 सीट्स यहाँ पर वैकेंट आपको मिल जाएंगी, 42 प्लस 12 सीट्स यहाँ पर वैकेंट दिख रही हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जो कि लास्ट में इन्होंने इनवाइट किया था, NSUT ने अपना जो MP हॉल है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट कैंपस जफरपुर बिहाइंड राउत, ये इनका एड्रेस दिया हुआ है, तो इनको फिजिकली बच्चों को वहाँ पर जाकर के अपनी काउंसलिंग करानी थी, जिसमें आपको जो फीस लेके जानी थी 2,19,000 बीटेक वाले बच्चों के लिए और जो आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट हैं उनको 2,29,000 फीस पे करनी थी। ऐसे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।